हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है JRC और दोस्त यहाँ पर मैं कमाल का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। कहाँ से पिट और ट्यूब का न्यूमेरिकल है एंड किस तरीके से यहाँ पर डिस्चार्ज कैलकुलेट होता है वगैरह, ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्लो कितना कैलकुलेट कितना फ्लो हो रहा है थ्रू अ ट्यूब, ये सब अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है एक पाइप है कुछ इस तरीके का जिससे क्या हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया है 0.8। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर अगर मैं क्या करूं, इस जो ऑयल फ्लो है अगर मैं यहां पर मैनोमीटर लगाऊं, सपोज मैनोमीटर लगाऊं तो आपका जो हेड डेवलप होगा, ठीक है, जो हेड डेवलप होगा या फिर जो हाइट डेवलप होगा वो कितना होगा, 100 mm होगा। और इस मैनोमीटर के अंदर में क्या है, मर्क्यूरी है। इस मैनोमीटर के अंदर में क्या है, मर्क्यूरी है इस मैनोमीटर के अंदर में, ठीक है, इस मैनोमीटर के अंदर मर्क्यूरी है लेकिन ऑयल फ्लो हो रहा है और इस ऑयल का डिस्चार्ज निकालना है। तो अपने को बोला है भैया मैं आपको पिट आउट ट्यूब दे रहा हूं। देखो कुछ बातें आपको अच्छे समझनी है, बेसिक समझनी है। कौन सी बात है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी थ्रू दिस पाइप। अब मैं आपको कुछ अपैरेटस देता हूं, मैं आपको देता हूं ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब, तीन चार मैं आपको देता हूं और मैं बोलता हूं भैया आप काम करो आप मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करके दो, तो आप कौन से डिवाइस यूज करोगे, अपैरेटस कौन सा यूज करोगे। आपको यहां पर यूज करना है पिटोट ट्यूब, क्योंकि पिटोट ट्यूब ही क्या करता है, वेलोसिटी। या आपको इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है पिटोट ट्यूब की कैपेसिटी है या पिटोट ट्यूब वेलोसिटी कैलकुलेट करता है, इनडायरेक्टली डिस्चार्ज भी कर सकता है लेकिन बेसिकली मेन पिटोट ट्यूब वेलोसिटी कैलकुलेट करता है और ऑरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर क्या करता है, डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। हाँ, ऑरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर आपका वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली जो यूज कर होता है वो पिटोट ट्यूब का वेलोसिटी कैलकुलेट करने में होता है और वेंचुरी मीटर ऑरिफिस मीटर का डिस्चार्ज कैलकुलेट करने में। इसीलिए बोला गया है कि भाई मैनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिटोट ट्यूब लगाता हूं। तो अब गौरव आप मेरे को बताओ कि इस पाइप से जो वेलोसिटी फ्लो हो रहा है ऑयल का वो वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी होगा यहां पर एक कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मैं यहां पर लिखना मिस कर गया। कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी है कितना गिवन है, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी है पिटोट ट्यूब की 0.98। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी पिटोट ट्यूब के 0.98। 0.9 कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी ये है कि ये पिटोट ट्यूब पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाता। क्या होता है, थोड़ा सा फ्लूइड पिटोट ट्यूब में रह जाता है, मींस चिपक के रह जाता है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स लाइक दैट, है ना, वो सारे फोर्सेस की वजह से तो पूरा का पूरा फ्लो नहीं हो पाता। तो इस वजह से डिस्चार्ज या वेलोसिटी की वैल्यू घट जाती है। वेलोसिटी और डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे, डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू A1V1 लाइक दैट, है ना, तो थोड़ा सा चिपक के रह जाएगा पिटोट ट्यूब के सरफेस वगैरह पे तो वेलोसिटी घटेगा और मतलब डिस्चार्ज भी घटेगा। तो कोफिशियंट अपन यूज करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, कोफिशियंट वेलोसिटी का है कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट 2gh, जहां h क्या है, मैंने कई बार आपको समझाया है h उसी का यूज करोगे किसका, जिसका वेलोसिटी निकालना है और किसका, किससे किससे फ्लो हो रहा है, ये पाइप से फ्लो हो रहा है ना, तो h जो भी आपका निकलेगा ये ऑयल का निकलेगा। ठीक है, ये पिटोट ट्यूब में भी क्या है आपका, ऑयल है, तो जो आपका फ्लो हो रहा है पिटोट ट्यूब से या पाइप से दोनों में तो सेम ही होगा क्योंकि ये पाइप का ही तो पिटोट ट्यूब में जा रहा है ना, समझ रहे हो ना कंसेप्ट, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो वो आपका ऑयल ही होगा, H आपको कौन सा यूज करना है, H कौन सा यूज होगा, जो आपका पाइप या फिर पिटोट ट्यूब में यूज होगा और वो हर समय दोनों सेम ही होगा पाइप या पिटोट ट्यूब में। तो H तो आपको मर्क्यूरी का दिया हुआ है, तो कैसे करोगे भाई, रिलेशन भी होती है, रिलेशन नाम की भी चीज होती है। तो क्या है रिलेशन, H इक्वल्स X इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर माइनस वन। जहां H की वैल्यू डाल दो, X कितना दिया है आपको, दिया है 100 mm, mm को क्या कर दो, SI में कन्वर्ट कर दो तो बाय 1000 कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ हेवियर मर्क्यूरी है तो 13.6, लाइटर 0.8, माइनस वन। देखो अगर आप गलती से एस लाइटर ऊपर लिख दोगे तो आपका जो ये वाला टर्म आएगा ये नेगेटिव आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ
यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने आपको वीडियो में, इससे पहले वाले वेंचुरी मीटर के न्यूमेरिकल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पर दो टर्म, ये एक्स और एस हेवियर, ये किसके है, मैनोमीटर, मैनोमीटर से रिलेटेड है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो रहेगा यहाँ पर किससे रिलेटेड रहेगा, यह रहेगा पाइप या पिटोट ट्यूब से। ठीक है, दो टर्म मैनोमीटरी को डेडिकेटेड है और दो टर्म आपका पिटोट या पाइप को डेडिकेटेड है। तो जो एच आएगा आपका वो सॉल्व करके कितना आने वाला है इस क्वेश्चन में, वो आने वाला है 1.6 कुछ मीटर ऑफ ऑयल। देखो ऑयल आया ना, ये आपको लिखना बहुत कंपलसरी, ऑफ ऑयल, ऑफ मर्क्यूरी, ऑफ वाटर, मैं आपको ध्यान से लिखने के लिए हर बार रिकमेंड करता हूं ये। ठीक है, तो बस ये एच को आप इसमें डाल दो और क्या, वेलोसिटी आप क्या देखे, इतना भी मीटर से करवाओगे कि यार इतना तो करो ना, एग्जाम तो आप ही को लिखना है। 2 × 9.81 एच की वैल्यू डालो कितनी, 1.6। तो जो वेलोसिटी आएगी आपकी इस क्वेश्चन में वो आएगी 5.49 मीटर पर सेकेंड, अराउंड 5.49 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पिटोट ट्यूब को, और पिटोट ट्यूब का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया साथ साथ कि उसका काम क्या रहता है, वो डिस्चार्ज कैलकुलेटिंग डिवाइसेस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो बस दोस्त इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्या आपको सारी चीजें समझ में आए, क्या आपको ये कंसेप्ट प्यारा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है यार। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।